वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदेद प्रोग्राम के अंदर। और मसला यह है हमारा आज का प्रोग्राम और मौजू मुआशी दहशतगर्दी। खान फारूक अली हमसे मुखातिब थे और बड़ी नाउमीदी की बात कर रहे थे कि इस वक्त कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि मसाइल को हल किया जाए और जो मुआशी दहशतगर्दी हो रही है उसका सदेबाप किया जाए। सब आपने ये बात बड़ी आसानी से कह दी क्योंकि मेरा जहन इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नाउमीदी को ज़रा कम सोचता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव कदम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आप और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनकी बड़ी ताकत है, इससे पहले भी कई एक प्रोग्राम में इस मौजू पे गुफ्तगू की है, तो आप इस मौजू पे मुख्तलिफ, यहाँ पे आपके आगा साहब भी मुख्तलिफ शख्सियात से मिले हैं, तो इसको आप बैन अल-अक़वामी फोरम पर आप क्यों नहीं इस बात को उठाते? और एक हम शुएब शेख का ही मसला डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो दीगर इदारे और अफराद मुआशी दहशतगर्दी का शिकार हैं उसका भी सदेबाब होना ज़रूरी है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हमने अपना रोल, जो लिमिटेड तरीन रोल है, रिसोर्सेज भी और सारा कुछ, वो हमने अपना ज़ोर लगाया और हमने, आगा साहब ने और मैं और कुछ और बड़े हमारे साथी हैं जिन्होंने इस सिलसिले में, और जब मुश्ताक मिन्हास साहब यहाँ आए थे यूएन को कवरेज करने के लिए और दूसरे साथी भी आए थे और हमसे उनसे मुलाकात भी हुई थी, बात भी हुई थी, और इस हवाले से अपनी हमने पिटिशन भी उनको दिखाई और आगा साहब की ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमने बर्नी सैंडर्स जो इस वक्त इलेक्शन उम्मीदवार हैं इलेक्शन में, उनके जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, यहाँ एक तहरीक चली थी उन्हीं नौजवानों की जो बेरोज़गार हो गए थे कि पढ़ने के बाद उनको जॉब्स नहीं मिलती थी, क्योंकि जॉब्स अमेरिका में भी उन्हीं को मिल रही थी जिनकी सिफारिश थी वॉल स्ट्रीट में, तो उन्होंने आकर के एक पार्क में और वो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट धरना एक दे दिया था। उस पूरी कैंपेन को भी हमारे ही एक पाकिस्तानी ने उसकी मीडिया कैंपेन की थी, तो उनके ज़रिए हमने चैनल करके बर्नी सैंडर्स साहब के जो डायरेक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वहाँ तक हम पहुँचे और इस बोल के हवाले से नौजवानों की जो तकलीफ और जो सहाफ़त की आज़ादी और इंसानी वैल्यूज़ की बात हमने जब टेबल पर रखी, तो वहाँ से ही जो मोमेंटम बिल्ड हुआ था, दरमियान में वो कम हो गया, उसकी वजह भी तो हमारे कुछ ऐसे लीडर जो इस तहरीक को मूव कर रहे थे वो मूव कर गए, वो शिफ्ट हो गए, उनकी जॉबें निकल आईं, कश्मीर के प्राइम मिनिस्टरशिप की किसी को और जॉब मिल गई, वो स्लाइड कर गए, जो डिटेल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं आगा साहब बताएंगे। मगर बर्नी सैंडर्स ने दो वीक पहले हमारे हेडक्वार्टर से, हमारी अपनी कैंपेन हेडक्वार्टर से कॉन्टेक्ट किया और उसके नतीजे में आगा साहब ने रिप्रेजेंट किया यहाँ की कम्युनिटी को, क्योंकि जब ये हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं, आगा साहब से ही पूछ लेते हैं। आगा साहब, अभी पिछले दिनों आपने ये इस मुआशी दहशतगर्दी के हवाले से कुछ वीडियोस भी अपलोड की सोशल मीडिया के ऊपर, और अभी आपकी बर्नी सैंडर्स से भी मुलाकात हुई, हिलरी क्लिंटन से भी आपकी पिछले दिनों जब ये न्यूयॉर्क की प्राइमरी हो रही थी उस वक्त मुलाकात हुई, तो आप फरमाइए कि मसलन इस दहशतगर्दी का खात्मा किस तरह होगा और आपकी इसके अलावा मजीद काविशें क्या हैं कि ये सूरत हाल कुछ बेहतर हो? देखिए, आम तासुर ये है कि जो कुछ भी दुनिया में होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमरीका का नाम जोड़ दिया जाता है। ये एग्जैक्ट के मामले में भी ऐसा हुआ कि एक कनकॉक्टेड फैब्रिकेटेड वे में एक खबर बनाई गई, उसे टेबल किया गया स्टोरी को, और उस शख्स ने उस स्टोरी को छापा जिसे स्टेट ने डिक्लेयर किया था कि ये नापसंदीदा है और उसे पाकिस्तान से निकाल दिया था। वो शख्स न्यूयॉर्क टाइम्स में इस स्टोरी को पब्लिश करता है और उसके 24 घंटे के बाद अंदर अंदर एग्जैक्ट पे हमला होता है और उनको फ्रीज कर दिया, ताले लगा दिए और सब रिकॉर्ड सब चीज़ें उठा के देंगे। जब आपने 24 घंटे में ये एक्शन किया, स्विफ्ट एक्शन, मेरे ख्याल है कि दुनिया की तारीख में इससे बड़ा स्विफ्ट एक्शन मैंने कहीं देखा कि अक्रॉस द अटलांटिक ओशन एक खबर छपती है और वो उसके 24 घंटे में एक मुल्क के अंदर हुकूमती सतह पर इतना बहरान आता है कि सारा मीडिया अलाइंस्ड है, लाइंड अप है और वो उसको बंद कर दिया। उसके बाद इसी मूवमेंट के बीच में जब हम इसको देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्राइसिस हुआ, तो हमें मीडिया ने इन्फ्लुएंस किया, हम ये समझे कि ये सच है, हम ये समझे कि ये सच है। जब इनकाउंटर हमें न्यूज़ मीडिया में नज़र ही नहीं आ रही थी कि भाई उनका वर्जन क्या है, जिनको पकड़ा है उनका वर्जन भी तो दो। अब क्या सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट ने आनन फानन एक एक्शन लिया
और एग्जिट को बंद कर दिया और उस एग्जिट को भी बंद कर दिया। हाँ जी। करने वाले कौन थे? चौधरी निसार अली खान साहब, जो कि वजीर दाखिला थे, उनके दस्तखत से, उनके हुक्म से ये बातें चल रही थी। पिछले दिनों वो न्यूयॉर्क आए तो आपने उनके खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं किया, उनसे गुफ्तगू करने की क्यों नहीं कोशिश की आपने? देखिए कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जब आप एहसास को दिलाया जाए। मेरी बात सुने, मैं ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तानी अपना इमेज अपने ही हुकूमतों के ख़िलाफ़ यहाँ एहतजाज की शक्ल में हमेशा से कर रहे हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोरम्स पे, और ये टुकड़ों की शक्ल में पॉलिटिकल ऐसे पाकिस्तानी अमेरिकन आप मुलाकात तो कर सकते हैं ना, एहतजाज ना पाकिस्तानी अमेरिकन मुलाकात कर सकते हैं, उनके नोटिस में हैं ये चीज़ें कि यहाँ पे किन लोगों ने तहरीक चलाई। बल्कि मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि जिस दिन हमने डाइवर्सिटी प्लाजा में वो एहतजाज किया और जिस दिन यहाँ के पॉलिटिशियंस ने कहा फ्रीजिंग द मीडिया अकाउंट्स इज़ अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, तो उस वक्त FIA जो थी कस्टडी में लेके शुएब शेख को इस्लामाबाद चली गई थी। 24 घंटे में इन्हीं की हुकूमत ने, इन्हीं वजीर दाखिला ने और उन्हीं नवाज शरीफ ने, उन्हीं लोगों ने कहा कि इस को आप वापस सिंध भेज दें, और 24 घंटों में उसको वापस कराची भेज दिया। और उस दिन से आज तक वो कराची सेंट्रल जेल में बंद है, ना कोर्ट उसकी हियरिंग ले रही है, ना FIA अपना चलान पेश कर रही है। 11 महीने से ज़्यादा, अब ऑलमोस्ट एक साल होने को आ गया, एक साल में एक क्रिमिनल एलिगेशन के अलावा वो कुछ नहीं है, ना उसका चलान पेश किया जाता है, ना उसकी हियरिंग होती है, ना उसको बेल दी जाती है। इतने दिनों में तो एक मर्डर केस में, जो इनफैक्ट मर्डर हुआ था, उसके कैदी को भी आप बेल पे रिहा कर देते हैं। 12 महीने में पाकिस्तान में जरा मुश्किल से ही होता है। नहीं, पाकिस्तान में भी होता है, यही पाकिस्तान में भी होता है। और उसके बाद अब अमेरिका की मिसाल दें, अब अमेरिका में क्या होता है कि यहाँ का स्टेट असम्बली का जो पावरफुल स्पीकर है शेल्वर सेल्डन, उसके खिलाफ एक तहकीकात होती है कि उसकी लॉ कंपनी जो है वो फीसेस लेती है उन क्लाइंट से जिनके कुछ इश्यूज स्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। इसी बुनियाद पर वो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और फाइनली उसको रिज़ाइन करना पड़ता है, और रिज़ाइन के बाद उस पर केस चलता है। आज वो 18 साल कैद की सजा भुगतने के लिए तैयारी पकड़ रहे। यहाँ इदारे मतलब मसला हल कैसे होगा? पाकिस्तान के अवाम तो सोए, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के एक लीडर, पाकिस्तान के एक लीडर तहरीक इंसाफ चला रहे हैं। कभी आपकी बात हुई इमरान खान साहब से कि साहब ये मसला क्या है, क्यों ना? हमारा मसला पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा इस वक्त। तो जो मामलात हैं, जिन लोगों ने, जिस इदारे ने उसको ख़राब किया था, वो इदारा उस करेक्शन की तरफ जा रहा है। आज जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज़ किया कि जनरल राहिल शरीफ से कौम की उम्मीदें हैं, ये कौम वो कौम नहीं है इस वक्त कि जो तहरीक चलाएगी तो उस तहरीक पे काम होगा। आपको ये सारे काम वहीं से ठीक करने होंगे जिसकी इब्तदा जहाँ से ख़राब की गई। फ़ौज के पुराने जो जनरल थे, हुक्मरान थे, जो उसके हेड्स थे आर्मी के, वो किसी ना किसी हवाले से अपनी ज़ाती पसंद या नापसंद की बुनियाद पर वो रन करते रहे हैं, फ़ौज को भी रिप्रेजेंट करते रहे और पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते रहे, और वो अपना एक काम करते रहे। आज आपको वो शख्स मिला है उस इदारे का हुक्मरान, हमारे उससे जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो इसको कैसे फिक्स करेंगे। जब तक ताकत का तवाजुन कायम नहीं होगा, जजेस को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि भाई इंसाफ पे फैसला करने पे मुझे कोई मेरा मर्डर नहीं करेगा, अगर मैं इंसाफ दूंगा तो मेरा मर्डर नहीं होगा, मेरे बच्चे अगवा नहीं होंगे, तो डेफिनेटली कौन करेगा? सिवाय फ़ौज के कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जो ये तहफ़ दे सके, क्योंकि जो इंसर्जेंस है जब आपके वतन के अंदर आ जाएगी, जो लोग इसके बेनिफिशरी हैं वो सहूलतकार हैं। ये जो आपकी गलियों में दहशतगर्दी हो रही है, कहाँ से हो रही है? आप क्या समझते हैं कि गैर मुल्की जो एजेंट हैं वो पाकिस्तान में आते हैं और वो काम करते हैं? शायद 1 या 2% लोगों में, 98% वाकयात ऐसे हैं कि जो आप लोगों की ब्रेन वॉश करते हैं, वहीं से लोगों को हायर करते हैं, उनको खौफ और प्रेशर में इंगेज करते हैं और आप उनको भेज देते हैं। ये बात और उनमें आपके सियासतदान जो हैं फैसिलिटेटर्स हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात तो मैं फारूक साहब आपकी तरफ आऊँगा कि ये बात तो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जिस इलाके में आप हम रहते हैं, अगर हम उस इलाके में अपने अड़ोस पड़ोस में नज़र रखें कि हमारे बराबर कौन रह रहा है, हमारे से चौथे मकान में कौन रह रहा है, तो हमें हमारा मसला हल हो जाएगा कि भाई कौन रह रहा है। अगर कोई नया आदमी आया तो उससे पूछ गछ करें, उससे सलाम दुआ करें, अगर वो सही नहीं है तो आप राइट अवे ऐसे इदारे को इतला करें जो कि इनको इस किस्म के लोगों को गिरफ्त मिले। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं रहा है पाकिस्तान में। अगर फारूक साहब मुझे इजाज़त दें तो मैं जी जी बिल्कुल एड्रेस कर दूँ। आप ये देखिए कि जो एग्जैक्ट के साथ हुआ और फिर बोर्ड पर हुआ, यानी एग्जैक्ट के साथ तो आपने शट डाउन कर दिया ना, और बाकी उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, साफ़ी बेरोज़गार हो गए, तनख्वाहें मिलना बंद हो गई, फैसिलिटेशंस ख़त्म हो गए, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिया आपने, जो आप जो रियासती जबर है
इसे रियासती दहशत गर्दी कह सकते हैं, रियासती दहशत गर्दी और बोल के साथ जी वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आवाज को बुलंद करने के लिए अपना किरदार अदा किया। जब मैंने देखा कि अकील करीम डैडी जैसा शख्स जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करता है और जिसकी लेगेसी है आपकी स्टॉक एक्सचेंज में, जिसकी लेगेसी है आपके एक रियल इस्टेट में पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, उस शख्स ने जब वो डोनेशन दिया सहाफ़ियों की तनख्वाहों देने के लिए कि भाई मैं 50 लाख रुपये देता हूँ, तो उस पर अजाब के दरवाज़े इन्होंने खोल दी, उसको शट डाउन करने की कोशिश की, उसको इस कदर हरासा किया, उसको इधर इस कदर कॉर्नर किया कि वो मजबूर हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता वो बैकफुट पर चला जाए। इसी तरह से जिन लोगों ने भी बोल को सपोर्ट करने की कोशिश की, छोटे या बड़े लोगों ने, ये प्रेशर्स मुझ पर भी आए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब डिपेंड करता है कि कौन कितना प्रेशर ले सकता है, किसका कितना स्टेक पे है। अब आप पाकिस्तान में तो एक आदमी की ज़िंदगी स्टेक पे है कि अगर वो बात नहीं सुनता तो मरवा दो उसको। पाकिस्तान में आपको अंदाज़ा है कि टारगेट किलिंग्स होती हैं, उसको किसी दहशतगर्दी के वाक़े में मरवा दो, उसको किसी और तरीके से हटा दो। इसकी कीमत अकील करीम डैडी जैसे लोगों ने और पाकिस्तान के लोगों ने चुकाई। इन्होंने अभी जिक्र किया था कि लोगों ने शिफ्ट किया, हमें लोगों ने डिस्ट्रक्ट किया। अब बोल के अंदर जो उसकी लीड करने वाली टीम के जो कुछ लोग हैं उन्होंने हमें मिसगाइड किया, मिसलीड किया। पाकिस्तान में सेनेटर भी बोल रहे हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जिसके चेयरमैन मलिक रहमान हैं उन्होंने इस पर एक हेयरिंग की है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आई वॉश है कि इतने दिन हो गए कि एक हेयरिंग कर लिया आपने, क्या पाकिस्तान की सेनेट इतनी कमज़ोर सेनेट है? पाकिस्तान की पार्लियामेंट जिसमें आवाज़ उठाने वाले लोग मौजूद हैं और वो उठाते रहे हैं, क्या वो इस कदर कमज़ोर लोग हैं कि एक हुकूमत के सामने वो फेस सेविंग कर रहे हैं? सिवाय आई वॉश करने के, आवाम को धोखा देने के, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका हल ये है, इस मौशी दहशतगर्दी का हल ये है कि फ़ौज ये तय करें कि उन्होंने आने वाले 5 सालों में अपनी डायमेंशंस कैसे तय करनी है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें करप्ट लोग मौजूद हैं, वो टैक्स पेयर्स नहीं हैं। आपको कितने फीसद यकीन है कि फ़ौज इस किस्म के तमाम कामों पे हाथ डालेगी? फ़ौज हाथ नहीं डालेगी, फ़ौज का ये काम नहीं। फ़ौज इज़ अ वॉच डॉग, वो निगरानी करेंगे, वो उसको फॉलोअप करेंगे। बदकिस्मती ये थी कि आज से पहले जो हम ये चीज़ें समझ रहे थे कि जनरल साहब तो नहीं जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनके नीचे जो लोग बैठे हैं वो जो रिपोर्ट देंगे उस पर फैसला होगा। वाहिद फ़ौज एक ऐसा इदारा है कि जहाँ रिपोर्ट्स चेंज नहीं की जा सकती, जहाँ फैब्रिकेशन नहीं होती, अपने चीफ को आप गलत रिपोर्ट नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक काउंटर चेक एंड बैलेंस मौजूद है जिस पर ये चीज़ें देखी जाती हैं। आगा साहब, पाकिस्तान में मुआशी दहशतगर्दी इस हवाले से भी मौजूद है कि तालीम याफ्ता नौजवान भी बेरोज़गार है, ठीक है ना? अगर उनको रोज़गार दे दिया जाए तो ये जो आप कहते हैं ना कि उसी शहर में से उठ के लोग इस्तेमाल हो जाते हैं, मैं समझता हूँ ये मसाइल बहुत से हल हो जाएंगे अगर ऐसा हो जाए। देखिए, ये मैंने 1990 में मिनास ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे एक रिपोर्ट लिखी थी और उस ज़माने में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी, उनको ये दी थी जब मैं पाकिस्तान में रहता था। उन्हें बताया था कि आने वाला कल वो पाकिस्तान को उन तारीखियों में धकेल देगा कि जिसमें इस तरह के वाकयात होंगे, और हमने इस तरह की दहशतगर्दी की निशानदेही उस रिपोर्ट में की थी। उस वक्त के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स थे उन लोगों ने वो रिपोर्ट ली थी, बेनज़ीर को दी थी, उस पर बेनज़ीर साहबा कुछ कर नहीं पाई, अमली इकदाम कर नहीं पाए। क्योंकि जब आप अपनी हुकूमत या इकतदार के लिए ट्रेजरी बेंचेस को चूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली डिपेंडेंट हैं उन फोर्सेस के जो आपको सपोर्ट करें। हुकूमत लाजिम आते एस्टेब्लिशमेंट की पैदा करता होंगी। हाँ जी, कैसे जब हुकूमतें एस्टेब्लिशमेंट की पैदा, अब जिस एस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमतों को तसलसल को जमहूरियत को कंटिन्यू किया है दुनिया को धोखा देने के लिए, अगर आज यही एस्टेब्लिशमेंट, मेरा इशारा आर्मी से, कि ये तय नहीं करेंगे कि राइट कोर्स क्या है, इनका कोर्स है डिफेंस ऑफ द नेशन, डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड टू इंश्योर कि कोई किसी पे बंदूक ना उठाए। इंसाफ देने वाले इदारे को ये यकीन दिलाना होगा कि आज के बाद अगर आप इंसाफ दिलाएंगे आपको कोई मर्डर नहीं करेगा, कोई मर्डर नहीं करेगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब पहुँच रहा है, क्लोजिंग करूँगा मैं। आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने किस अहम मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू के साथ साथ। फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी वक्त निकाला। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में मुआशी दहशतगर्दी आज से नहीं बल्कि इब्तिदा से
मौजूद है। और मुआशी दहशत गर्दी का सिर्फ एक एलिमेंट यही नहीं है कि बोली और एग्ज़िट बंद हो गया या अकील करीम डैडी को प्रॉब्लम आ गई, बल्कि पाकिस्तान के हर शहर में, हर इलाके में, हर मोहल्ले में और हर अपना इस्टेट में कह लें, सूबे में बेरोज़गारी इतनी हद तक है, गरीब आदमी इतना ज़्यादा पिसा हुआ है कि अगर इनको, इन मसाइल को हल नहीं किया गया तो फिर पाकिस्तान के मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। इसके लिए पाकिस्तान के आवाम को जागना होगा। हम अमेरिका में बैठकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अक्सर मैं ये कहता हूँ फासले मोहब्बतों को जन्म देते हैं। हम जितनी दूर बैठे हुए हैं हमें पाकिस्तान की मोहब्बत बहुत ज़्यादा जागती है और ये हमेशा रहेगी। हम सिर्फ यही दरख्वास्त करेंगे पाकिस्तान के आवाम से भी, पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी, पाकिस्तान के सियासतदानों से भी और यकीनन अपनी फौज से भी कि पाकिस्तान के हालात और वाकयात बेहतर करने के लिए प्लीज़ हर कोई अपना हिस्सा डाले, वरना ये कौम अगर तबाह बर्बाद हो गई पाकिस्तान का नाम कहीं तारीख में फिर मिलेगा नहीं। ख़वातीन हज़रात इस तरफ तवज्जो दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। आपने मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।